नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। Q1 अपडेट जो है बजाज फाइनेंस ने यहाँ पे कल 5 जुलाई के दिन दी और उसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं आज के दिन स्टॉक प्राइस में देखने को मिला। बहुत ही शानदार तेजी जो थी स्टॉक में थी, क्योंकि जो अपडेट आती हुई दिखाई दे रही Q1 FY23 की बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें किस तरीके के जो नंबर्स है वो यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कस्टमर फ्रेंचाइज जो है 30 जून 2022 तक की वो 60.3 मिलियंस के आसपास आती हुई दिखाई दे रही, जो कि 50.5 मिलियन लास्ट ईयर 30 जून 2021 के आसपास थी। तो हाईएस्ट एवर जो है कंपनी ने क्वार्टरली इंक्रीज यहां पे कस्टमर फ्रेंचाइज में देखने को मिला। Q1 FY23 के 2.7 मिलियन यहां पे जो है इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत ही शानदार है। न्यू लोन बुक की भी अगर हम बात करें Q1 FY23 की तो 7.4 मिलियन के आसपास आती हुई दिख रही, जो कि लास्ट ईयर 4.6 मिलियन के आसपास थी। तो बहुत ही जोरदार बढ़त जो है वो यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। कोर एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM की अगर हम बात करें अप्रॉक्सीमेट 2 लाख करोड़ के पार निकलती हुई दिख रही, 2,04,000 करोड़ के आती दिख रही है, जो कि लास्ट ईयर यहाँ पे देख रहे हैं आप लगभग 1,56,115 करोड़ की थी। तो साल दर साल यहाँ पे भी 31% की जबरदस्त बढ़ोत होती हुई दिखाई दे रही है। और जो Q1 में FY23 में जो ग्रोथ होती हुई दिख रही है वो है लगभग 11,900 करोड़ के आसपास। तो बहुत ही शानदार जो है वो बढ़त यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। कंसोलिडेटेड नेट लिक्विडिटी सरप्लस जो है वो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 11,550 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR की, तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 26.2% पे आते हुए दिखाई दे रही है। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। और बात करें डिपॉजिट बुक की, 34,100 करोड़ की डिपॉजिट बुक जो है वो यहाँ होते हुए दिख रही है, जो कि लास्ट ईयर यहाँ पे 27,972 करोड़ थी। यानी साल दर साल यहाँ पे आपको 22% की जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है। तो ये पॉजिटिव खबर यहाँ पे आते हुए दिख रही है। और इस बार इसके दम पे आप ये समझ सकते हैं कि इस बार जो नतीजे हैं Q1 के वो कितने शानदार देखने को मिल सकते हैं। उसके दम पे जिस तरीके से आज स्टॉक में रनिंग देखने को मिली, 4.5% का उछाल, लगभग 5,916 के आसपास जाकर स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। 250 पॉइंट से ज्यादा की तेजी जो थी स्टॉक में बनती हुई दिखाई दी। यहाँ पे अगर 52 वीक रेंज देख रहे हैं, 8,050 का हाई है, वहां से अभी भी स्टॉक लगभग लगभग 25% डाउन है। यानी कि अभी भी एक अच्छा खासा जो रनअप है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे अच्छे नतीजे आते हैं तो जुलाई में आपको एक अच्छे बड़े टारगेट देखने मिल सकते हैं। बात करेंगे हम टारगेट्स की भी कि किस तरीके के लेवल्स जो है आपको जुलाई में देखने को मिलने चाहिए अगर नतीजे अच्छा आते हैं। तो वॉल्यूम जो था आज बहुत जबरदस्त होते हुए दिखाई दे, 22,22,000 शेयरों के जहां से स्टॉक ओपन हुआ वहीं से लगातार दिन भर ऊपर और दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाके मार्केट बंद होता हुआ दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं लोग अपनी पोजीशन होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कल के लिए, और यहाँ पे आगे भी एक तेजी की उम्मीद यहाँ पे मानी जा सकती है। यहाँ पे अगर इस कंपनी की हम बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं EPS इस कंपनी का 116 रुपये का, 50:51 के PE पे स्टॉक मिलता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से करेक्शन के बाद यहाँ पे एक रीजनेबल PE वैल्यूएशन आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो स्लो डाउन की बातें की जा रही है जिस कारण यहाँ पे एक बड़ा गिरावट जो है आपको देखने को मिला, लेकिन फिर भी अगर हम बात कर रहे हैं तो सेक्टर के वाइज यहाँ पे आपको थोड़ा महंगा देखने को डेफिनेटली मिलता है। बुक वैल्यू अगर हम देख रहे हैं 722 रुपये की 8 की बुक वैल्यू प्राइस टू बुक पे स्टॉक मिलता हुआ दिखाई देता है। मार्केट कैप 3.5 लाख करोड़ के आसपास का इसका देखने को मिल रहा है मोटा मोटी। लेकिन अब हम बात करेंगे चार्ट पे किस तरीके के लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं आवरली चार्ट पे कहीं ना कहीं इसने 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आज के दिन फाइनली जाने की कोशिश की और ऊपर जाके क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। तो आवरली चार्ट पे कहीं ना कहीं इसका जो मोमेंटम है वो अब स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। बहुत लंबी गिरावट के बाद ये आवरली चार्ट पे भी जब हम देख रहे हैं, इसने लगभग लगभग 7,100 के आसपास आवरली चार्ट के नीचे ब्रेकडाउन दिया था और उसके बाद बड़ी गिरावट देखने में लगभग 5,250 के आसपास तक के लो लगे थे और कहीं पे भी ये ऊपर जाने की इसको क्रॉस ओवर करने की कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन फाइनली अब यहाँ पे आज के दिन आपने देखा कि इसने पूरी तरीके से ऊपर जाके क्लोज होने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। RSI के भी लेवल अगर आप देख रहे हैं तो लगभग लगभग इसका भी क्लोजिंग लेवल चल रहा 73 के आसपास का,
आवरली बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, तो जो कि एक अच्छा मोमेंटम साइन है कि यहाँ पे मजबूती जो है अब कहीं ना कहीं बनती हुई दिख रही है, इसमें स्ट्रेंथ जो है वो आती हुई दिख रही है। लेकिन डेली चार्ट पे अगर हम अभी देख रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर अभी भी थोड़ा वीक है, हालांकि शॉर्ट टर्म में अगर हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा पॉजिटिव होता है डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। 5 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पॉजिटिव क्रॉस ओवर करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, और 50 DMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग 6426 के आसपास है, यानी कि अभी भी यहां से 400-500 रुपए की दूरी जो है वो अभी बनी हुई है। तो अभी इसका ट्रेंड पॉजिटिव होने में जो है थोड़ा वक्त लगेगा, जब तक ये स्टॉक 200 दिन के एवरेज के ऊपर नहीं आता। यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है थोड़ी वीकनेस के साइन अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक जो है नीचे की तरफ एक बार बेस बना के रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें RSI लेवल की, तो आज के दिन यहाँ पे RSI जो है 58 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कहीं ना कहीं स्टॉक जो है मोमेंटम में आने की कोशिश कर रहा है, जो कि नीचे की तरफ बहुत नीचे ओवरसोल्ड हो चुका था। तो अब कहीं ना कहीं जो 58 के आसपास आता हुआ दिख रहा है, तो अब यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं कि इस स्टॉक में अब मोमेंटम अगर बनता है 70-75 के आसपास RSI जाता है, तो ये स्टॉक 6400-6500 तक आराम से जा सकता है। यहाँ पे पहला हर्डल की अगर हम बात करें चार्ट पे, तो आप देख सकते हैं ये मोटा मोटी हर्डल है 6130 के आसपास का, जिस लेवल के आसपास स्टॉक एक बार हो सकता है रुकने की कोशिश करे, लेकिन अगर वो लेवल ऊपर की तरफ निकाल देता है स्टॉक, तो उसके बाद आपको और शानदार तेजी बनती हुई दिखाई देगी। और उसके बाद कहीं ना कहीं इसी जुलाई सीरीज में आपको एक बार के लिए 7000-7200 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो एक बहुत ही शानदार तेजी के लिए जो है स्टॉक तैयार होता हुआ दिखाई दे। आपने देखा है कि बड़ी गिरावट जो है 8000 के लेवल से आपको देखने को मिली है, लगभग 5200 तक आसपास स्टॉक टूटता हुआ दिखाई दिया था। और अगर रिकवरी आती है, मार्केट में थोड़ी रिकवरी बनती है, जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और जिस तरीके से थोड़ा पॉजिटिव न्यूज जो है कहीं ना कहीं मार्केट में आता हुआ दिख रहा है, और अगर FIS की तरफ से बाइंग आती है, तो FIS का फेवरेट स्टॉक है, उसके बाद यहाँ बजाज फाइनेंस में बहुत ही जोरदार जो तेजी है उसका माहौल बन सकता है। नीचे की तरफ अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं 5600 रुपये एक बार के लिए एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है। जैसे ही आज के दिन यहाँ पे हमने ओपनिंग ली, उसके बाद 5700 का लेवल जैसे ही क्रॉस हुआ, बहुत ही शानदार तेजी जो है वो कहीं ना कहीं बनते हुए इस स्टॉक में दिखाई दे रही है। तो जैसे ही दोस्तों ये 200 दिन का एवरेज पार करेगा, तो ये लॉन्ग टर्म में भी इसका मोमेंटम फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर मार्केट में थोड़ी भी पॉजिटिविटी रही तो कहीं ये स्टॉक बहुत ही जल्द 7000-7500 के लेवल में आपको जाता हुआ दिख सकता है। तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया जा सकता है, यहाँ पे बहुत वोलेटाइल स्टॉक है, बड़े मूव देता है, दिन के 3-4% के मूव इसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आपको स्टॉप लॉस जो है थोड़े लंबे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट भी जो है बहुत बड़े होते हैं, तो टारगेट भी आपके लिए बड़े होंगे और स्टॉप लॉस के जो लेवल्स हैं वो भी आपको थोड़े से बड़े देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।